वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज का शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा और पूरा देखिएगा, एंजॉय भी कीजिएगा। आप लोग मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ और क्या क्या कर रही हूँ वो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो पे एंजॉय कीजिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं। तो निकल पड़ी थी और यही दिखाने के लिए आप लोग को बोल रही थी। ये मेरी फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड जो है, उनका आज दुकान का ओपनिंग था, पूजा था, तो उसी में मैं गई थी। पूजा और इन लोग के खुशी में या दुख में जब तक मैं शामिल ना हूँ इनका खुशी पूरा नहीं होता है। और ये देखिए इनका दुकान है। और इसके बाद मैं अपनी बेटी के स्कूल भी गई थी, तो आज बिजी रही मैं। तो ये देखिए इनका दुकान कितना अच्छा से सजा के रखी हैं। और मैं तो कहूँगी जो भी छेंड में जो लोग हैं इनके दुकान में ज़रूर जाएं। देखिए कितनी अच्छी तरह से सजा करके रखी हैं। नॉलेज कम है पर बहुत अच्छी तरह से की हैं और एक एक चीज़ बहुत सुंदर सुंदर चॉइस करके लाई हैं, क्योंकि उनका चॉइस भी, खुद का भी चॉइस बहुत अच्छा है। तो ये देखिए लड़कियों के लिए और शादीशुदा औरतों के लिए हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो मैं तो यही बोलूंगी जो भी छेंड के लोग अगर देख रहे हैं मुझे, तो छेंड में और ये मेरे बच्चों का हरकत देखिए, सुबह सुबह चाय के लिए कर रही है। आज है मंगलवार, मंगलवार के दिन ये चाय के लिए इस तरह से तड़प रही है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड बैठ करके चाय पी रहे थे और इसे सुबह से नहीं मिला है, तो ये चाय के लिए बेचैन है। देखिए चाय के लिए किस तरह से हरकतें कर रही है, और गुस्से में पौधान को भी काट रही थी कि नहीं दे रही है। चढ़ा ला।
इसीलिए तो पगला रही हो। अब वो पगला रही है। अब इसका चैनल है देखो। कौन कौन बेचारा कौन पता नहीं दे रहा है। तेरे तो पगला गई थी क्या? दिख रही है क्या? लग रहा नोच के खा लेगी कब? देर डेली ना खाती है लल्ला। और मैं बोली थी कि रूम जब पूरी तरह से मैं सेट कर लूँगी तब आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज रूम पूरा सेट हो चुका है तो आप लोग देख लीजिए कि मैं कैसे सेट की हूँ, किस तरह से की हूँ, अच्छा की हूँ या नहीं की हूँ, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखिए आप लोग कैसे बैक कैमरा चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा बेड है, ये डबल बेड है और इस तरह से यहाँ पर इसको एडजस्ट किया गया है। और जस्ट साइड में ये नया वाला अलमारी और ये तो मेरा मेन डोर है, मेन डोर रूम का डोर है। और ये रहा ड्रेसिंग टेबल साइड में जस्ट सटा हुआ गेट के पास। और ये मशीन, मशीन के पास चेयर लगा हुआ है। ये है बाथरूम और वो अलमारी तो आप लोगों को पहले भी दिखाई हूँ। और इस तरह देखिए किस तरह सेट की हूँ। और ये दूसरे साइड है मेरी बेटी का बेड। और इस तरह से ये भी एक अलमारी है जिसमें पूजा और कांच का बर्तन, नीचे में भी कुछ बुक वगैरह है बच्चों का। और ये देखिए साइड में अलमारी, ये पहले का मेरी सासू माँ का अलमारी है, उसके ऊपर में ये देखिए। और ये रहा फिर से वापस से मेरा ये बेड आ गया। और ये बीच में इतना प्लेस बच रहा है जहाँ अगर हो सकता है तो दो तीन चेयर लगा करके हम बैठ सकते हैं। चलती हूँ, लेती हूँ विदाई आप लोगों को। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। और नए नए फ्रेंड मिल रहे हैं इसके लिए भी खुशी की बात है मेरे लिए, जो मैं खुश हूँ कि नए नए फ्रेंड मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू। आप सबको थैंक यू है। शंख बज रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ बिहार में तो कम शंख बजाया जाता है और यहाँ पे हर घर में पूजा करने में आप लोगों को शंख आवाज आता है, अच्छा लगता है सुबह सुबह शंख का आवाज। ही सुबह का टाइम है तो वीडियो करने एंड आ गई हूँ। चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग पे आप लोगों को। बाय।